नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताने वाला हूं कि जो भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को विभाग के तरफ से स्मार्टफोन दिया गया था, पैनासोनिक इलूगा i7 का स्मार्टफोन है। अगर आपको उसमें कुछ परेशानी हो रही है स्मार्टफोन यूज़ करने में या फिर कोई भी कार्य करने में आपको परेशानी हो रही है, आपके लिए ये लेटर बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि इस लेटर में आपको बताने वाला हूँ कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन कब तक रिपेयर करवा सकती हैं। कि ICDS की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें कि एक डेट फिक्स किया गया है। इस डेट से पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवा लेना है। अगर इसके बाद आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाते हैं तो वो खर्च किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप अन्य सेविकाओं के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेट दिया गया है 18/10/2021, जिसकी संचिका संख्या है 5266। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है। इस लेटर को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेटर जारी किया गया है किन जिलों के लिए जारी किया गया है। जैसे कि मैं आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सभी ज़िलों का नाम भी बताऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेटर है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जारी किया गया है और इन जिलों के लिए किया गया है। अररिया, अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण, बिहार, यानी कि टोटल जो ज़िले हैं वो 27 ज़िलों के लिए इस लेटर को जारी किया गया है। और 27 ज़िलों में अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं हो रही है तो आप लोग जल्द से जल्द अपना सर्विसिंग, जो मैं डेट आपको आगे बताने वाला हूं, उस डेट से पहले आपको सर्विसिंग करा लेना है अपने मोबाइल फ़ोन की। तो चलिए इस लेटर का जो विषय दिया गया है यहां पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, पैनासोनिक मोबाइल की सर्विसिंग करने के संबंध में। उसकी डेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4/1/2021 और 4/2/2021 का जो पत्रांक है, जो निदेशालय से भी इसके लिए एक पत्रांक जारी किया गया था। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया था, जिसके माध्यम से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ICDS विभिन्न सेवाओं की विवरणी ससमय भरी जानी है एवं सेवाओं में गुणवत्ता लाने हेतु ICDS सशक्त, सक्षम, सुगम अनुसरण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली राज्य के 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी 38 जिलों में, यानी बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में सबसे पहले जिन जिलों में स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया था, उन स्मार्टफोन की वारंटी जो है कि अब समाप्त होने वाली है और उसका जो लास्ट डेट है उससे पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन रिपेयर कराने की तिथि निर्धारित की गई है। आइए नीचे आपको बताते हैं कि कब तक उसका जो लास्ट डेट रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विदित हो कि आपूर्ति की गई पैनासोनिक इलूगा i7 स्मार्टफोन की वारंटी 2 साल था, जो 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही है। यानी कि जो 2 साल की वारंटी दी गई थी आपके स्मार्टफोन की, वो 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो आपका स्मार्टफोन में कुछ भी गड़बड़ी आती है तो उसका जो खर्च है वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं यूज़ कर रही हैं मोबाइल, उनको स्वयं अपने खर्च से अपना स्मार्टफोन को रिपेयर कराना होगा। और जैसे कि जो 31 अक्टूबर 2021 तक जो समय है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो चुका है तो आपके लिए यहाँ पे लास्ट डेट जो रखा गया है 31 अक्टूबर 2021, इससे पहले आपको ICDS ऑफिस में आपको इसकी सूचना देनी होगी। आपको इसका जो सर्विसिंग सेंटर है वहाँ पर भेज के आपको
31 अक्टूबर से पहले इसकी सर्विसिंग करा लेनी है। जिलों में अधिकृत सर्विस सेंटर के माध्यम से मोबाइल सर्विसिंग कार्य सर्विसिंग 3 कार्य दिवस सर्विस प्रदाता द्वारा प्रदान की जानी है। अतः निर्देश है कि आपके जिला में खराब मोबाइल फ़ोन को निर्धारित समय सीमा में मरम्मत कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं का मोबाइल फ़ोन खराब हो चुका है, जो लगभग आज से कुछ दिन और बचे हैं, जैसे कि 11-12 दिन और बचे हैं, उतने दिनों के अंदर आपका मोबाइल खराब है तो आप उसको अपने ICDS ऑफिस विभाग भेजकर उसका सर्विसिंग करा सकते हैं। इसे अति आवश्यक समझा जाए। अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो आपको काम करने में काफ़ी सारी परेशानी आ सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो ज़िले आपको दिख रहे हैं, इन सभी ज़िलों से अगर आप लोग का मोबाइल फ़ोन खराब हो चुका है तो आप लोग जल्द से जल्द इसकी सर्विसिंग करा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपको यहाँ पे हमने बता ही दिया कि कब तक लास्ट डेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अन्य सेविकाओं तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर कहीं किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।